हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मांशु अग्रवाल और यहाँ हम पढ़ते हैं एक्सेल डायनेमिक्स एसएपी एफआईसीएम मॉड्यूल। आज हमारी एसएपी की 21 क्लास है, 21वीं क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कस्टमर इनवॉइस पोस्टिंग एंड कस्टमर इनकमिंग पेमेंट। तो इससे पहले हमारी टोटल 20 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आपको मेरी एस एफ फीको नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी वीडियो वो अवेलेबल है। तो आपको सीरीज अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं तो मेरी पूरी सीरीज को फॉलो करिए, ठीक है। तो आज हम सीख रहे हैं कस्टमर इनवॉइस पोस्टिंग, ठीक है। तो आते हैं, तो सबसे पहले कस्टमर इनवॉइस पोस्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अब हमें कस्टमर इनवॉइस पोस्टिंग करनी है तो उसके लिए हमने संडी डेटर अकाउंट और वेंडर क्रिएशन तो हमने लास्ट वीडियो में सीख ही लिया है। तो हमें एक लीडर बनाना पड़ेगा, एक जीएल बनाना पड़ेगा सेल्स का। तो FA00 में जाके हम एक जीएल क्रिएट करते हैं, ठीक है। इनकम में क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। 5 6 बन गया, ठीक है। क्या होगा हमारा इनकम में, और यहां पर आएगा सेल्स, अकाउंट, यहां सेल्स अकाउंट्स, ठीक है। बाकी ये चीज तो आपको नॉर्मल सब पता ही है, मैं स्टार्टिंग से बना रहा हूं। जीरो जो वर्क कर देंगे और यहां से क्या कर देंगे, सेव, ठीक है। जीएल हमारा बन चुका है, अब हम एंट्री पोस्ट करते हैं। तो बाहर आते हैं, अब हमें एंट्री करने के लिए कहां जाएंगे, एसएपी मेन्यू, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री एंड इनवॉइस पोस्टिंग। तो इसकी शॉर्टकट की, इसका टी कोड क्या होता है, FB70। अगर आप FB70 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है सबसे पहले कस्टमर इनवॉइस। तो हमारा कंपनी कोड क्या है, यहाँ से कंपनी कोड चेंज कर लेते हैं। कंपनी कोड है हमारा BR PL, ठीक है। कंपनी कोड चेंज हो गया, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे हमारा कस्टमर कौन सा था, देखिए BRPL, और यहाँ से हम अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ABC और XYZ दो कस्टमर हैं, ठीक है। तो मैं ABC से पोस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है इनवॉइस डेट, तो इनवॉइस डेट सपोज हमने डाल दी 1 अप्रैल 2020, सेम इनवॉइस डॉक्यूमेंट, देन अब पूछ रहा है अमाउंट कितने का। हम ने डेट डाल दिया, अब यहाँ पर अमाउंट डालते हैं। अमाउंट हमने हमने 50,000 की एंट्री पोस्ट करनी है। यहाँ पर हम टैग डालेंगे, हमने टैग डाल दिया सोल्ड गुड्स टू ABC। अब यहाँ डालेंगे GL, तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, वो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे सेल अकाउंट जो हमने अभी बनाया है, ठीक है। यहाँ से हमने सेल करा, सेल अकाउंट, देखिए सेल अकाउंट हमने बनाया था अभी। अब यहाँ पर स्टार टाइप कर लेते हैं और एंटर कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पर हमने डाला सोल्ड गुड्स, टेक्स्ट ये रिक्वायर्ड फील्ड है, देखिए हो गई एंट्री। अब क्या करना है, हमें सिमुलेट करके आप चेक कर सकते हो। देखिए ABC इंडिया लिमिटेड डेबिट है और सेल हमारी क्रेडिट हो गई, ठीक है। सब कुछ होने के बाद अब इसको क्या कर देंगे, सेव। अब एंट्री हमारी सेव हो चुकी है, देखिए डॉक्यूमेंट नंबर आ गया हमारा, सेव हो गया। अब बाहर आते हैं, अब हम डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करते हैं। तो अब हम रिपोर्ट चेक करते हैं, FBL 5N डिस्प्ले लाइन आइटम वाइज। तो हमारा कस्टमर का नंबर क्या था, 206, ठीक है। ओपन आइटम हम चेक कर रहे हैं, इसे हम क्लिक करेंगे,
देखिए आ गया डीआर डॉक्यूमेंट, 1-5 हजार का इनवॉइस हमारे पास ओपन है। अब हम इससे रिसीव करते हैं, ठीक है, पेमेंट कैसे रिसीव करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए हम डॉक्यूमेंट एंट्री पे आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है F-28 इनकमिंग पेमेंट, ठीक है, इनकमिंग पेमेंट करते हैं। पेमेंट हमें मिल रही है सपोज आज के दिन, ठीक है, 19 अप्रैल 2020 को, ठीक है। और अकाउंट क्या डेबिट होगा आपका, जो पेमेंट जब हम रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कस्टमर हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, यही होगी। तो कैश हम डेबिट कर लेते हैं सबको। कितने रुपए दे रहा है, सारे दे रहा है या वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पार्शियल में है वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, ठीक है। 50 हजार रुपये का बिल था, 50 हजार रुपये पूरे ले रहे हैं हम, ठीक है। रिसीव कैश किस वेंडर से, वो किस कस्टमर से, सॉरी, कस्टमर है हमारा ये ABC 206 नंबर, ठीक है, आ गया। इसको हम एंटर कर देंगे, एंटर करते ही देखिए आ जाएगा ये डॉक्यूमेंट हमारा है। देखिए अमाउंट टेंडर 50 हजार रुपये, असाइन 50 हजार रुपये का बिल है, पूरा का पूरा जीरो हो गया, ठीक है। अब हम इसे क्या कर देंगे, अगर ये हमें कम देता पेमेंट तो हम पार्शियल पेमेंट रिसीव करते, ठीक है। ये मैंने आपको अकाउंट्स पेबल में पढ़ा चुका हूँ, तो बस अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको सेव कर देंगे। सेव करते ही डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। अब बाहर आते हैं, तो हम अकाउंट में जाके कस्टमर लाइन आइटम चेक करेंगे FBL5N से, ठीक है। ओपन की जगह हम यहाँ पर ऑल आइटम सेलेक्ट करके ये देखिए हो गई पेमेंट, जीरो हो गई, वो सॉरी रिसीव हो गया हमारे को अमाउंट कस्टमर से, बैलेंस जीरो हो गया। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं, कस्टमर इनवॉइस और पेमेंट, इनकमिंग पेमेंट रिसीव करते हैं, ठीक है। तो मुझे मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।